जय हिंद डिफेंस पैरेंट, मैं जयेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है आपके अपने डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो आज मैं आपको जो जानकारी देने आया हूं कि हाउ टू मास्टर जनरल नॉलेज फॉर CDS एग्जाम 2020। CDS का एग्जाम आपका 8 नवंबर को है, तो इस पर आप कैसे आप इसको मास्टर करें, कैसे आप GS में स्कोर करें। ध्यान रखिएगा, CDS का एग्जाम में रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद आपको SSB क्लियर करनी पड़ती है। SSB ऑल दो इट इज़ अ वेरी टफ टास्क, काफ़ी मुश्किल से उसे क्लियर करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो आपने नोट करी होगी, CDS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत इजी है, वेरी इजी। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में जितना स्कोर करेंगे, एग्ज़ाम में आप जितने मार्क्स को स्कोर करेंगे, वो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा देता है आफ्टर क्लियरिंग दी SSB और आपको मेरिट लिस्ट में आने का मौका देता है। तो राकेश बोरा, एनर्जी बूस्टर, सभी का वेलकम है, और जो लोग भी ये सेशन देख रहे हैं उन सभी को मेरा जय हिंद। तो हाउ टू मास्टर जनरल नॉलेज फॉर CDS एग्ज़ाम, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ टिप्स देने आया हूँ। इन्हें ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इन्हें अप्लाई करिएगा और ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगी। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, जो जनरल नॉलेज है CDS के लिए वो एक्सेस करती है कि कैंडिडेट की नॉलेज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स कैसे, कि आसपास आजकल कैसे चल रहा है, आपसे गलवान वैली पे, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और करंट नॉलेज को भी उसका क्या किया जैसा एसेस किया जाता है। टू स्कोर गुड मार्क्स कैंडिडेट शुड कीप themselves abreast ऑफ द रीसेंट इवेंट। तो आपको करंट अफेयर्स की सबको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि आजकल करंट में क्या चल रहा है। सौरभ तिवारी को जय हिंद है भाई। ध्यान रखिएगा, टू गेट हेयर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है CDS का, वो कैंडिडेट की नॉलेज करता है करंट इवेंट पर। और UPSC की एक खास बात है, UPSC जो आपसे अगर GS का जो कोर GS का ना, जैसे ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया और हिस्ट्री का हो गया, वो करंट इवेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस को पूछता है। किस पे? करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस पे पूछता है। तो हेलो सर, हाउ आर यू। ध्यान रखिएगा, जो GS का सिलेबस है ना बहुत वास्ट है, लेकिन कैंडिडेट उसको स्कोर कर सकता है अगर उसने अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करी हो। गुड मॉर्निंग राहुल वर्मा। ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट्स को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यहाँ पे मैंने साइंस वर्ड यूज़ किया रहा है, दरअसल ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ड होता है। इसमें क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रफेल है वो कौन सी जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, या उसकी टेक्निकल एडवांसमेंट क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसे समुद्रयान प्रोजेक्ट क्या हो गया, गगनयान प्रोजेक्ट क्या हो गया। इस बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चंस को पूछ सकता है। यूजली क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम दीज टॉपिक, ये हम जनरल स्टडीज को एक क्राइटेरिया करता है। और ध्यान रखेगा, अंबिका यादव बिल्कुल आपको इलेबरेट करता हूँ, करंट अफेयर कहाँ से करें, अभिषेक मेहता, मैं सब आपको सारी डिटेल ध्यान कर से बताऊंगा और सबको एक एक करके इलेबोरेट करके मैं बताऊंगा। रुकेगा एक मिनट, पहले आपके क्वेश्चंस को भी लूंगा और आपको पहले मैं अपनी बात बता दूं, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये इनको आपको प्रिपेयर करना होता है। और ये आप भी जानते हैं, आप सोच रहे होंगे सर ये तो हम भी जानते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि कैंडिडेट को ना न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे आपको रीसेंट इवेंट का मिलेगा। मार्केट में मंथली मैगजीन आती हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पर भी आपको मंथली और डेली बेसिस पर करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म में हमारे डिफेंस अड्डा या अड्डा 24/7 SSC अड्डा पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स होता है। तो दिव्या कुमारी गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग क्या करें इसके लिए, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर आपको क्या है, डेली क्विजेज मिला करेंगे, डेली करंट अफेयर्स मिला करेंगे, तो इट इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन। तो जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं करी हुई है ना, वो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, OTA में मैथ्स नहीं आता, OTA में मैथ्स नहीं आता है, OTA का जो एग्जाम है उसमें मैथ्स नहीं आता, उसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश का ही पेपर होता है, ठीक है, उसमें जनरल नॉलेज और किसका, इंग्लिश का ही पेपर होता है। ध्यान रखिएगा, जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है CDS के लिए, मैं केवल यहाँ पे केवल CDS के बात कर रहा हूँ, इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सौमिक गुड मॉर्निंग सर, और कैंडिडेट को एडवाइज़ है कि वो अननेसेसरी गेस ना करा करें,
ठीक है, जीएस में कई बार होता है ना तुक्का मारने की हमारी हैबिट होती है, वो जरूर बिल्कुल मत मारा करें। आपको कैसे प्रिपेयर करना, कब कैसे करना, वो सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है, उन्हें आप डिलीजेंटली फॉलो करिएगा, उन्हें अप्लाई करिएगा और देखना डेफिनेटली वो आपको उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब वो क्या है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CDS, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। ज़्यादा आपको विश्व विख्यात सारी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जनरल के बारे में पता होगा। सबसे पहले जी ध्यान रखिएगा, पेशेंस इज द की, क्योंकि जो GK है ना कैन नॉट बी प्रिपेयर इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में नहीं प्रिपेयर की जा सकती। आप सोच रहे हो कि आप एक महीने या डेढ़ महीने में कर लोगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए एक टाइम चाहिए था। आपका 8 नवंबर को एग्ज़ाम है, यानी 11th month, यानी आपके पास पूरा पूरी अगर मैं लगाऊँ तो यू हैव अराउंड 3 months, दैट मीन्स 90 days, इट विल बी ए सफिशेंट टाइम। प्रिफ्रेंस मैंने डाला है OTA में, बिल्कुल OTA में अगर डाला है तो वेरी गुड, ध्यान रखिएगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप एंटायर सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को क्या करना है, एनालाइज करना है। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा UPSC का, और उसमें आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कुछ का इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छा होता है, अगर मैं इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज की बात करूँ तो जो BTech स्टूडेंट होते हैं, जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, उनके जनरली ये माना जाता है उनका मैथ सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन स्ट्रांग होता है, लेकिन उनका जनरल नॉलेज सेशन थोड़ा वीक होता है। जो आर्ट साइड से होता है उनका जनरल नॉलेज और इंग्लिश ठीक होता है, मैथ में वीक होता है। तो आपको पहले एनालाइज करना सिलेबस को। सेम चीज़ जनरल नॉलेज में भी, अब इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस आती है। वसुंधरा गुप्ता, गुड मॉर्निंग, हाँ बिल्कुल राकेश बोरा, इसमें पूरा अपने ध्यान रखा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और जब तक कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती वो तब तक इम्पॉसिबल रहती है। तो अब बी पॉजिटिव, आर्मी ऑफिसर का ये है कि बी पॉजिटिव, जरूर पॉजिटिव। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको जिस हिसाब से पढ़ना है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं पेपर, पिछले 5 सालों के। देखो जब संविधान बना था ना तो उससे पहले लक्ष्य रखे गए थे कि हमें इन इन चीज़ों पे बनाना, तो आपको प्रिपरेशन करनी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से करके आपको क्या मिलेगा कि आपको आइडिया लगेगा कि UPSC किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है। तो UPSC की वेबसाइट पे जाइएगा, उस पर आराम से आप सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको एनालाइज करेगा। आप एटलीस्ट जो इस साल हुआ है फरवरी में और जो पिछले साल हुआ है सितंबर अक्टूबर में, उस पेपर को डाउनलोड करके 2 साल के पेपर से ही एनालाइज करेगा, बिल्कुल ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको अपना क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। और जब आप जो पहले चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे आपको कि अपना स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज, उसके बेसिस पे, और ये देखियो एक चीज़ ध्यान रखो, सबका अपना अपना प्रॉपर अलग, मैं आपको स्टडी प्लान बना कर देखता तो वो वर्क नहीं करता। आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से स्टडी प्लान बनाइए कि इस सब्जेक्ट को मेरे को इतने दिन में कंप्लीट करना है और इस तरीके से पढ़ना है, और उसके लिए ईच टाइम अलॉट करें डिसिप्लिन वे में, क्योंकि आप आर्मी में जाने का अगर सपना कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वे में आपको करना है फॉर मैक्सिमम रिजल्ट। अच्छा, बेस्ट बुक कौन सी है रिफर्स की, तो देखो NCERT बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको 11th क्लास की NCERT मिल जाए ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, GC लियोंग आप कर सकते हो। अपार्ट इज दिस आप ऑक्सफोर्ड और ब्लैक स्वान की एटलस को यूज कर सकते हो, ओके। जय हिंद सब, अनुज मिश्रा। FCAT के लिए मतलब अगर आप CDS की जनरल नॉलेज करेंगे तो FCAT का हो जाएगा, लेकिन FCAT में ना थोड़े क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन FCAT के जो हैं उन प्रशांत सर, थोड़ा वेट करिए, FCAT का भी आपको बताता हूँ। हिस्ट्री के लिए आपको एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की NCERT और मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की होती है, ध्यान रखिएगा ये वाली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम बुक आप परचेज करिएगा, इट इज़ ए वेरी गुड बुक। मैं खुद इससे पढ़ता हूँ, या बिपिन चंद्रा की इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आप परचेज कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए तो एक ही नाम आता है, एम लक्ष्मीकांत, और बाकी आपको योजना, CSR, प्रतियोगिता दर्पण या मनोरमा ईयर बुक्स आप कर सकते हैं, या फिर
देखो जो डेली करंट अफेयर्स होता है ना उसने तो अटेंड करो, लेकिन आपसे जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो इस साल के स्टार्टिंग या पिछले साल तक का भी पूछा जा सकता है, पिछले साल तक का भी पूछा जा सकता है। तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको करंट अफेयर कराऊंगा, डोंट वरी। दूसरी बात, आपके को मैं बता दूंगा यू कैन आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी, जो सारा प्रीवियस ईयर है पिछले साल नवंबर से आपको अब तक का मैं कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद रीड न्यूज़पेपर और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आर्मी में भी कहा जाता है कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे लड़ाई में उतना खून बचाओगे, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे लड़ाई में उतना खून बचाओगे। तो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट को करते हैं तो उससे क्या होता है, देखो जैसे हम दौड़ना शुरू करते हैं तो हमारी लंग कैपेसिटी उतनी होती है तो हम थक जाते हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से हमारी लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो रेगुलर आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप अवेयर होंगे कि किस कैसे कैसे क्वेश्चन, कोई चीज़ आप भूल गए होंगे तो वो आपको रिवाइज करा देंगे। उस सेम यही कंसेप्ट आपका मैथ में भी चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा। तो मॉक टेस्ट करना है आपको और सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है। बिल्कुल सर, कल से लेखपाल का बैच स्टार्ट हो जाएगा, यस हो जाना चाहिए सर, ओके। फिर दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको CDS की प्रिपरेशन करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो मैं आज ये अब डेली मैं ऐसा कराऊंगा और इसमें मैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा, थ्योरी वाइज पूरा पढ़ाऊंगा, थ्योरी वाइज पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा। ये मैंने एक सीरीज चलाई है ऑपरेशन CDS 2020, ध्यान रखिएगा ऑपरेशन CDS। इसके लिए आपको कहाँ विजिट करना है, डेली 7 बजे आपको डिफेंस अड्डा पर मेरे से मिलना है, ठीक है। मंडे को हम पॉलिटी करा करेंगे, ट्यूसडे को हम हिस्ट्री करा करेंगे, जैसे आज ट्यूसडे है तो एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और लिख के नहीं पढ़ाऊंगा, एक डिजिटल वे में जो आजकल नया चल रहा है, डिजिटल वे में जो पिक्टोग्राफिक होगा, जो जिससे आप देख के समझ पाएंगे, उस तरीके से आपको कराएंगा। फिर कल ज्योग्राफी करेंगे, थर्सडे को साइंस करेंगे और फ्राइडे को इकोनॉमिक्स, और सैटरडे, और कोशिश करूंगा संडे को भी, सैटरडे को वीकली टेस्ट या करंट अफेयर्स आपको कराया करूंगा। तो बिल्कुल मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, जनरल नॉलेज की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, जितनी मेहनत आपको मेरे साथ करनी है आप मेरे साथ करिए, मैं आपको रगड़ दूंगा जनरल नॉलेज में। और ध्यान रखिएगा 100 नंबर में आपको एटलीस्ट, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट 60 से 70 भी स्कोर करके आए हैं और कुछ ने तो 20 भी स्कोर करे हैं, ऐसी बात नहीं है, 60 से 70 भी स्कोर करे हैं और 20 भी स्कोर करे हैं, तो 100 मार्क्स में। तो इस तरह आपको प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा आप जितना GS में ज़्यादा स्कोर करेंगे वो फाइनली आपको अल्टीमेटली आपकी मेरिट लिस्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है ये आपको आपके जो SSB है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बी इट पर्सनल इंटरव्यू, बी इट ग्रुप डिस्कशन, मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा बिल्कुल। तो शाम को मेरे को बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल शाम को 7 बजे सभी लोग, और इन आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है इस सेशन को शेयर करना है, ठीक है, ताकि और लोग बढ़े। जैसे मैं खाता बहुत हूँ ना, उसी प्रकार जब बच्चे जा देखता हूँ ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं 50, 60, 100 बजे, तो मेरे अंदर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ आ जाती है कि मैं भाई आपके लिए और ज़बरदस्त कुछ चीज़ें लाऊं। दूसरा, जो FCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से एक बच्चा था कि सर FCAT की, तो FCAT के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज चला रखी है, सुपरसोनिक सीरीज, ठीक है, FCAT के लिए एक स्पेशल सीरीज मैंने शुरू करी है, सुपरसोनिक सीरीज, ये 2 बजे, लेकिन ये किस पे है, SSC अड्डा पे है, आप उस पे मिल सकते हैं। अब आप पूछोगे कि सर इनकी लेक्चर PDF वगैरह मैं कैसे ले सकता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेक्चर PDF और YT सेशन के लिए, YT सेशन के लिंक के लिए। इस ग्रुप का नाम है GS विद जिवेश, इस ग्रुप का नाम है GS विद जिवेश, बिल्कुल। तो प्रशांत मैंने आपको बताया, सर आपने वेट कर रहे होंगे, थैंक यू फॉर वेटिंग। तो FCAT के लिए मैं स्पेशल सुपरसोनिक सीरीज चला रहा हूँ, क्योंकि FCAT के एग्जाम में सर अब टाइम नहीं रह गया। तो अगर आप मेरे क्वेश्चंस को ही फॉलो करेंगे तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू इन योर FCAT एग्जाम, क्योंकि मैं इसका FCAT का जो जनरल अवेयरनेस का जो पैटर्न होता है और CDS का, वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होता है। CDS में आपसे कभी ये नहीं पूछेगा फला देश की कैपिटल कहाँ पे है, ओके। मिशन जो FCAT का एग्जाम है उसमें इसी तरीके से। तो मिशन FCAT एग्जाम 2020 के लिए आप विजिट कर सकते हैं
डेली 2 बजे एसएससी अड्डा पर आधे घंटे का सेक्शन है, और सुपरसोनिक सुपरसोनिक जो होता है सुपरसोनिक स्पीड से क्वेश्चंस कराता हूँ और बिल्कुल स्पीड से कराता हूँ। इसके आपको अगर पीडीएफ चाहिए, वाईटी सेशन चाहिए, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीएस विद जिवेश, इसे ज़रूर ज्वाइन करेगा। सेशन ओके सेशन को ज़रूर शेयर और लाइक करेगा। अभी इसकी क्लास मेरे ख्याल से पिछले महीने से ही मैंने शुरू करी है, लेकिन ये सुपरसोनिक सीरीज़ अभी मैंने शुरू करी है। अभी देखो ये 03 है, केवल 2 ही हुई हैं, तो बिल्कुल इसे ज़रूर करिएगा। बाकी अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लो, ठीक है। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लो, ये 25 उस पर अगर आप पेड बैच करना चाहते हैं, पेड पढ़ना चाहते हैं, तो अड्डा 24 एप्लीकेशन की डाउनलोड करके आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, 27% आपको अलग से मिलेगा अगर आप ये कैपिटल यू 191 कोड को यूज़ करते हैं। हमारा एक बैच 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, रविंदर सर बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ाते हैं, डॉक्टर वकैब साहिल सर जबरदस्त इंग्लिश पढ़ाते हैं, और आप मेरा आज शाम परफॉर्मेंस देख ही लीजिएगा जो मैं आपको मगध एम्पायर पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं, इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा adda247.com पर, adda247.com पर, और आपको ये डिस्काउंट कोड यूज़ करना है कैपिटल यू 191, और आपको ये बहुत सिंपल और आसानी से बैच मिल जाएगा। ओके हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आज शाम को आपको मेरे से मिलना है शाम को 7 बजे डिफेंस अड्डा पर, यानी इसी चैनल पर जिसमें हम मगध एम्पायर ये बिल्कुल है, और सारे लोगों को शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ तब से आपसे, बिल्कुल आज से स्टार्ट क्लास होगी सीडीएस की शाम को 7 बजे। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत, मिलते हैं शाम को 7 बजे एशियन हिस्ट्री ऑफ मगध एम्पायर। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।